Assalamu alaikum junior one, how are you all? I hope so you all are fine, ready for your science lecture. And today we learn about man-made things. Aaj hum man-made things ke baare mein discuss karenge aur iski reading karenge. Like non-living things like razor, pencil, cloths, house, toys are not found in nature. Bejaan cheeze jaise ki razor hai, pencil hai, kapre hain, house hai, toys yani khilone hain, are not found in nature. Ye nature mein nahi paaye jaate, ye kudrat ki taraf se nahi hote. These are made by man. Ye tamam cheeze kisne banayi hain? Yes, insano ne banayi hain. They are called man made things. So hum inko kya kahenge? Man made things kahenge. Wo cheeze jo insano ne banayi ho, wo use kya kehte hain? Man made things. Theek hai? Now try to identify the natural and man-made things. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कुछ natural things और कुछ man-made things. Like natural things में क्या हैं, sun है, moon है, clouds है, animals है, plants है. और man-made things में क्या है, pencil, house, toys, TV, car. ये इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो natural और man-made में होती हैं. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट्स हैं. रिमेम्बरिंग पॉइंट्स पूरे चैप्टर से, पूरे लेसन से लिए जाते हैं ताकि हम याद रखें कुछ मेन चीज़ें. जैसे फर्स्ट पॉइंट है, वी हैव लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस, कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग यानी जानदार होती हैं और कुछ नॉन लिविंग यानी बेजान होती हैं. लिविंग थिंग्स ब्रीथ, नीड फूड, फील, मूव, रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड डाई. लिविंग थिंग्स के ये फीचर्स हैं कि वो सांस लेते हैं, नीड फूड यानी उन्हें खुराक की ज़रूरत होती है, फील महसूस करते हैं, मूव हरकत करते हैं, रिप्रोड्यूस यानी अपनी तरह के पैदा करते हैं, ग्रो यानी बढ़ते हैं, एंड डाई यानी के मर जाते हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट है, ऑल थिंग्स नेचर बी नेचुरल और मैन मेड. कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं यानी कुदरत की तरफ से, अलग तरह की तरफ से होती हैं, और कुछ चीज़ें मैन मेड यानी इंसानों ने बनाई होती हैं. All living things are natural. तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो natural होती हैं. जैसे हम human beings, जैसे animals, जैसे birds, जैसे plants, जिसमें जिन चीज़ों में ये features पाए जाते हैं वो living things हैं ना, और जिन चीज़ों में ये फीचर्स पाए जाते हैं वो साथ ही साथ नेचुरल भी होते हैं. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि तमाम लिविंग थिंग्स नेचुरल होते हैं. Non-living things like air, water, clouds and the sun are also natural. और बेजान चीज़ों में जैसे हवा, जैसे पानी, जैसे बादल, जैसे सूरज, ये भी natural चीज़ों में शामिल होगा. ठीक है, लेकिन ये living things नहीं हैं. Living things, तमाम living things वो natural होते हैं, लेकिन natural चीज़ों में कुछ living things भी होते हैं, कुछ non-living things भी होते हैं. ठीक है, और last में है फर्नीचर, यूटेंसिल्स, क्लॉथ्स, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा आर मैन मेड थिंग्स. ये चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैन मेड यानी इंसानों की बनाई होती हैं. ओके, नेक्स्ट इज टुडे वी हैव टू डू द ब्लैंक्स ऑन ए पेज नंबर 8. पेज नंबर 8 पे हम ब्लैंक्स फिल करेंगे यानी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. द फर्स्ट इज थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड डैश थिंग्स. ठीक है, जो चीज़ें इंसानों ने बनाई होती हैं उन्हें कौन सी चीज़ें कहते हैं. थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. सो वी हैव टू राइट हियर मैन मेड थिंग्स. एम ए एन मैन, एम ए डी ई मेड, मैन मेड थिंग्स. ओके, सेकंड है थिंग्स मेड बाय नेचर आर कॉल्ड, जो चीज़ें नेचर में हों, कुदरत में हों, आर कॉल्ड, उन्हें क्या, उन चीज़ों को क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स. थिंग्स मेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. नेचुरल थिंग्स के क्या स्पेलिंग है, एन ए टी यू आर ए एल, नेचुरल. ओके, द थर्ड पॉइंट इज अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम डैश. कहाँ से प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करता है, ग्रो करता है, फ्रॉम सीड्स, एस डबल ई डी एस, सीड्स. अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड्स, ग्रो. फोर्थ है थिंग्स विच कैन ब्रीथ, विच कैन ग्रो, फील, ईट एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड डैश थिंग्स. जिन चीज़ों में ये तमाम फीचर्स पाए जाते हैं उसको, उनको कौन सी चीज़ें कहते हैं, दी वी कॉल्ड
living things. So we have to write here living, L-I-V-I-N-G, living things. And the last is a rock. Rock means pathar. Pathar ko kehte hain rock, theek hai, bade wale pathar ko. A rock is a dash thing. Rock kya hai? Ye humne khud banaya hua, insano ne banaya hua rock. No, rock is a natural thing. So we have to write here natural, N-A-T-U-R-A-L, natural, theek hai. तो आज आपने इन रिमेंबरिंग पॉइंट्स की रीडिंग करनी है और ब्लैंक्स को फिल करना है और लर्न भी करना है, ठीक है. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.